हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये वीडियो में मैं बात करूंगी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जियत एक ऐसी बीमारी है, मुझे लगता है कि हर घर में 70-80% तक लोगों को रहती है। तो हर किसी ने कभी ना कभी ये सिचुएशन को फील किया ही होगा। तो आज मैं आप लोगों को एक होम्योपैथी की एक ऐसी दवा के बारे में आप लोगों को आज बताने वाली हूँ ये वीडियो में, कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि पुराने से पुरानी कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ही ये दवा से खत्म हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके पीछे बहुत ही मामूलियत से कारण होते हैं, जिसकी मदद से आप लोग पूरे दिन बेचैनी सी फील करते हैं, आपको पेट फूला फूला सा लगता है, आपको भूख नहीं लगती है, या फिर आप लोगों को खट्टी डकारें आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फील करते हैं अगर आप लोगों को प्रॉपरली आपका पेट जो है वो साफ नहीं आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कब्ज के कौन कौन से मुख्य कारण है। तो उसमें सबसे पहला कारण है वो है अगर आप लोगों को फैटी लीवर की बीमारी है, अगर आपका लीवर जो है वो प्रॉपर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो भी आप लोगों को उसमें जो है वो कब्ज की परेशानी जो है वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा है तो पेट साफ नहीं आ रहा है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग जो होती है वो नहीं हो रही, मोशन हो भी रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग जो है वो नहीं रहती है। और साथ ही में पानी का इंटेक जो है वो बहुत ही कम है, हार्डली वो 3-4 ग्लास दिन भर में पीते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही ऑयली और मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, या फिर फास्ट फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं, या फिर पैक आइटम जो रहती है तो वो लोग ज़्यादा खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो लोग अपनी दिनचर्या में रखते हैं तो उनमें उन लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि उनका पेट जो है वो खराब रहता है, या फिर हार्ड मोशन होता है, या फिर अगर मोशन होता भी है तो पूरी सेटिस्फाइड फीलिंग उन लोगों को नहीं होती है, कि उन लोगों का पेट जो है वो इतना साफ नहीं आता है। तो जो लोगों में फैटी लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल के जो लोग पेशेंट हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि उनका पेट जो है वो साफ नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है पेट साफ नहीं आने का। तो जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल है और साथ ही में अगर आप लोगों का फैटी लीवर जो है वो ऐसे निकल आया है, तो वो लोगों में 100% ये कंप्लेंट रहती ही है, उन लोगों को ऐसी फीलिंग रहती ही है कि उन लोगों को मोशन हो रहा है लेकिन वो लोगों को सेटिस्फाइड फीलिंग नहीं होती है और वो लोगों का पेट जो है वो साफ नहीं आता है। तो फैटी लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में ये कंप्लेंट 100% रहती ही है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन जो है क्रॉनिक से क्रॉनिक, मतलब कि पुराने से पुरानी अगर आप लोगों को कब्ज की जो सिचुएशन है उसमें अगर ये मेडिसिन आप लोग यूज़ करते हैं तो इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये मेडिसिन है वो है हाइड्रेटिस कैन क्यू यानी कि हाइड्रेटिस कैन मदर टिंचर। तो ये मेडिसिन जो है वो आप लोगों को इजीली कोई भी होम्योपैथिक स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर ये मेडिसिन को आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, और उसमें SBL है, रेकवेब है, तो ये सभी ब्रांड की मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी बात करते हैं कि ये मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। तो ये मेडिसिन को आप लोगों को उसके 15 बूंद आप लोगों को 1/4 कप वाटर में मिक्स करके आप लोगों को सुबह, दोपहर और शाम ऐसे आप लोगों को दिन में 3 बार ये मेडिसिन को लेना है। लगभग आप लोगों को ये 1 से 1.5 महीने तक आप लोगों को ये मेडिसिन लेनी है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित रहे हैं या फिर आप लोगों को पुरानी कब्ज की शिकायत है तो आप ये मेडिसिन जो है वो 1 से 1.5 महीने तक इसको कंटिन्यू ज़रूर लें, उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। तो ये मेडिसिन आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को एकदम से ख़त्म कर देगा, और जब भी आप मोशन करके आते हो तो आपका पेट जो है वो पूरी तरह से साफ हो रहा है ऐसा आप फील कर पाओगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ये टिप्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी जो मोशन के जो इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है आप लोगों को प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर आप लोगों को पानी पीना है डेली।
अगर आप महिला है तो आप लोगों को 2 लीटर पानी पीना है, और अगर आप पुरुष है तो आपको 2.5 से 3 लीटर तक पानी डेली मिनिमम पीना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग आती है, वो है अगर आप जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा तेल मसाला वाला खाना खाना है तो वो खाना आप दिन भर खाएं, यानी कि दिन के टाइम में खाइए, रात को ऐसा भारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद थर्ड थिंग आती है, वो है अगर आप जब भी खाना खाते हैं, रात को डिनर करते हैं, तो उसके बाद 1 किलोमीटर तक ज़रूर टहले। अगर आप लोग डिनर करने के बाद थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आपका खाना जो है वो आप लोगों को इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे आप जब भी मोशन करने के लिए जाते हो तो आप लोगों को उसमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है तो खाने और सोने के बीच जो है वो 2 आवर्स का गैप जरूर रखें। सपोज आप 8 बजे रात को खाना खाते हैं तो 10 बजे के बाद ही सोने के लिए जाएं, उससे पहले सोने के लिए ना जाएं। और हाँ, खाना खाने के बाद तुरंत बिल्कुल भी ना लेटें। तो ये सभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी है लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो आप लोग ये सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी जो दिन भर की जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, और आपको जो भी मोशन का जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वो भी विथआउट एनी मेडिसिन आपका जो मोशन का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाएगी, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कब्ज की जो शिकायत है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव 1 थम्सअप एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.